किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया कि किसानों के आंदोलन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार इस मामले में किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बल प्रयोग कर रही है, जिस कारण किसान घायल हुए। इसमें कहा गया कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, इस कारण ये रिट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। याचिका में कहा गया, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों ने किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर लोहे के कील, सीमेंट की दीवार आदि लगाया है, ताकि किसान दिल्ली में दाखिल न हो सके। जो भी किसान अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते दिखे हैं, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, इस कारण कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता अग्नोतोज थियोज की ओर से गुहार लगाई गई। वो केंद्र को निर्देश जारी कर रहे हैं कि किसानों की मांग पर केंद्र विचार करे। केंद्र और संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो किसानों के साथ सही तरह से पेश आए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों निर्देश दें कि वो लोगों की आवाजाही सही तरीके से हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएं। साथ ही केंद्र और NHRC को निर्देश दिए जाएं कि वो मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट पेश करें। किसानों पर हुए पुलिस फोर्स के अटैक के कारण उनके घायल होने, यहां तक कि मौत के मामले सामने आए हैं। याचिका में कहा गया कि इसकी रिपोर्ट मांगी जाए, किसानों की किसी तरह की हिंसा को रोकने के निर्देश भी दिए जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।